हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टार एंड डेल्टा कन्वर्शन। तो हमने देख लिया पिछले लेक्चर में, तो उनके एग्जांपल सॉल्व करते हैं इस लेक्चर में। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल दिया है। तो अगर इस तरह का सर्किट दिया है आपको और आपको कहा गया है कि टर्मिनल ए डैश और बी डैश के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप कैलकुलेट तो सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं नाम देता हूँ, ये आर वन है, ये आर टू है, उसके बाद ये आर थ्री, ये आर फोर और ये आर फाइव, राइट। तो आर वन आर टू ये तो दिख रहा है, लेकिन ये पैरेलल कब होगा, जब इन दोनों के टर्मिनल के बीच में यहाँ पर ये रजिस्टर नहीं रहेगा तब। तो इसको सिंपल टेक्निक से सॉल्व करना मुश्किल है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करें, तो देखिए पहले ये वाला टर्मिनल देखते हैं, टर्मिनल इसको नाम देता हूँ मैं ए, ये वाला बी, और देखिए ये वाला रजिस्टर का सेकंड टर्मिनल और ये वाला रजिस्टर का सेकंड टर्मिनल दोनों कॉमन है, करेक्ट। तो इस टर्मिनल को हम क्या नाम देते हैं, सी। तो ये क्या है, डेल्टा फॉर्म कर रहा है क्या, तो ये सब कोर्स ये डेल्टा फॉर्म कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं रीड्रॉ कर देता हूँ ओनली इतने सर्किट का, इसको मैं सर्कल से अभी डॉटेड सर्कल से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इतने सर्कल को मैं रीड्रॉ अगर करता हूँ, तो ये रहा टर्मिनल ए, इस टर्मिनल से दो रजिस्टर गए आर थ्री और आर फोर की तरफ, तो ये हमारा टर्मिनल जो आर थ्री की तरफ जा रहा है, और इस टर्मिनल पे मैंने नाम दिया रजिस्टर टर्मिनल बी, उसके बाद बी से सी की तरफ ये आर फाइव है और ए से सी की तरफ आर फोर है। तो यहाँ पर तुम्हारा आर फोर है और ये है आपका आर फाइव, ठीक है। तो ये टर्मिनल सी, राइट। तो अभी ये डेल्टा दिख रहा है, ओके। नाउ क्या हम इस डेल्टा नेटवर्क को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप कोर्स कर सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैंने इसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ से जैसे ये सेंट्रल टर्मिनल मिल जाएगा हमारा, और यहाँ से एक्सपेक्टेड रजिस्टर मिलेगा, और यहाँ से एक एक्सपेक्टेड रजिस्टर मिलेगा, और उसके बाद यहाँ से एक एक्सपेक्टेड रजिस्टर ऐसा मिलेगा, राइट। तो देखिए जो मैंने अभी जस्ट ये अंदर जो ड्रॉ किया है, तो ये वाले रजिस्टर्स गायब हो जाएंगे यहाँ से, तो फिर रजिस्टर ये वाला जो मिलेगा वो क्या रहेगा, इस R1 के सीरीज में, और ये वाला रजिस्टर रहेगा इस R2 के सीरीज में। तो अब सीरीज सीरीज एडिशन हो जाएगा, और ये सीरीज इसके साथ एडिशन हो जाएगा, और ना ये जो ब्रांच का रेजिस्टेंस रहेगा इस ब्रांच के साथ आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद ये वाला जो रहेगा वो सीरीज में हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपने देखा, तो आप इसको स्टार से डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसको डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, तो आप लोगों को मैंने टेक्निक बताया था, यदि आपने एक्सपेक्टेड यहाँ पर रजिस्टर ड्रॉ किया, ऐसे मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ओके, यानी ऐसा कर दीजिए तो आपको ईजी रहता है। तो ये वाला रजिस्टर का नाम देंगे हम आर ए, इसका नाम देंगे आर बी, और इसका नाम देंगे हम आर सी, ओके। तो आर ए रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर ए रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी इसके दोनों साइड के जो रजिस्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन, सो आर थ्री इंटू आर फोर डिवाइड बाय सभी का एडिशन, सो आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव, राइट। तो इनकी वैल्यूज क्या है, तो यहाँ से देखिए आर थ्री की वैल्यू है 30 ओम, आर फोर की 10 और ये है 20, तो यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 30 प्लस 10 प्लस इसका 20, राइट। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, तो क्या मिलेगा 300 डिवाइड बाय 60, और यहां पर आर ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 ओम, करेक्ट। तो इसको अगर मैंने इसे ड्रॉ किया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमको कैलकुलेट करना स्टार के लिए, तो टर्मिनल ये ए है, ये बी है, ये सी है, आर ए का वैल्यू क्या मिल गया हमारे पास 5 ओम। अब आर बी की बारी है, उसके बाद आर सी। तो आर बी क्या हो जाएगा, तो आर बी देखो ये वाला है, मतलब 30 ओम और 20 ओम के बीच वाला जो रजिस्टर रहेगा वो आर बी रहेगा। तो आर बी कैलकुलेट करते समय क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय इन सब का एडिशन, जो कि 60 आने वाला है, ओके। तो 3 2 8 हो गया ये, और यहां पर 60, तो आपको क्या मिल जाएगा 10 ओम। उसके बाद आर सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो आर सी की वैल्यू मिल जाएगी ये आर सी, इसके दोनों साइड के जो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 60, मतलब ये हो गया 200 डिवाइड बाय 60, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.333 ओम, ओके। तो आपके पास आर ई मिल गया, आर बी मिल गया, आर सी मिल गया, तो आर बी की वैल्यू हुई 10 ओम और इसकी आर सी की वैल्यू 3.333 ओम, राइट। तो अब देखिए
इस नेटवर्क का यूज करके यहाँ पर अगर इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं तो क्या मिलेगा, तो जैसे जैसे यहाँ टर्मिनल दिए हुए हैं वैसे वैसे ड्रॉ कीजिए। तो जैसे यहाँ पर दिया है ए डैश, तो यहाँ पर गए हम, उसके बाद यहाँ पर दो ब्रांच आई, तो ये ब्रांच निकाल दी हमने। इस रजिस्टर का वैल्यू है 10 ओम, जो कि इसका नाम है R1, राइट, और नीचे वाला रजिस्टर है R2, जिसकी वैल्यू है आपके पास 20 ओम। ओके, अब देखिए ये जो सर्कल था मैंने किया हुआ, तो इस सर्कल को मैंने इस नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया है, तो टर्मिनल ए जो है यहाँ पर वो ये वाला कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर ए टर्मिनल यहाँ दे देता हूँ, और अब इससे क्या रजिस्टर जाने वाला है, RA, तो हमारा ये रजिस्टर RA यहाँ पर बना देगी जैसे। ओके, और उसके बाद टर्मिनल जो बी था, तो यहाँ पर आपका टर्मिनल बी है, और इस बी से इस सेंट्रल टर्मिनल का रजिस्टर RB, तो यहाँ पर ये RB बना लीजिए। तो ये हो गया RA, जिसकी वैल्यू कितनी है 5 ओम, और ये हो गया RB, जिसकी वैल्यू है 10 ओम, राइट। अब ये जो टर्मिनल है इसके बाद इधर जाने वाला सी टर्मिनल, तो इससे एक रजिस्टर लगेगा और ये टर्मिनल मिल गया हमारा सी, यानी यहां तक का सर्किट ड्रॉ हो गया। अब सर्किट ड्रॉ होने के बाद यहां से क्या आ गया, ये टर्मिनल इधर जाके ये मिल गया आपका बी डैश, राइट, इजी हो गया। अभी RC की वैल्यू कितनी थी, ये है RC, इसकी वैल्यू 3.333 ओम। अब इस नेटवर्क को ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने में कितना इजी हो गया, तो ये R AB A B, मतलब इन दो टर्मिनल के क्रॉस का रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो देखिए ये और ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है, यानी R1 प्लस RA, यहां लिख देते 50 ओम, ओके, इस ब्रांच का, और इसके पैरेलल में क्या हो गया ये वाला, तो इसकी वैल्यू है 20 प्लस 10, तो ये पैरेलल विद 30, तो 30 ओम, और उसके बाद सीरीज में क्या रहेगा आपका 3.33 ओम। तो इसे कैलकुलेट करेंगे आपको 15 प्लस 30 और प्लस 3.333 इक्वल टू ए कितना हो जाएगा 450 डिवाइड बाय 45 प्लस 3.333, और ये वैल्यू हो गई आपकी 10 प्लस 3.33, और आपका RA'B' इक्वल टू हो गया आपका 13.33 ओम। ओके, सो यही एक्सपेक्टेड आंसर था, तो आई होप आपको समझ गया हूँ। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।